नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है 5 की 8 का। आज सबसे पहले बात लोकसभा स्पीकर के चुनाव की। आजादी के बाद ऐसा पहली बार है जब स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। उधर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने 52 साल पुराने कानून को बदल दिया है। क्या है वो कानून जो बदला गया है, बताएंगे आपको। देश भर में बीजेपी ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बात करेंगे चंबल में मिलावटखोरों की भी, किस तरह मिलावटखोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। तमाम खबरें होंगी 5 की 8 से। पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठे। अठारहवीं लोकसभा के स्पीकर के चयन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। राजनाथ सिंह के दफ्तर पर कांग्रेस के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई। इस बैठक में वेणुगोपाल ने डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर सरकार के सामने शर्त रखी। राजनाथ सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर राजनाथ सिंह ने बात भी की। सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन विपक्ष शर्तों के साथ समर्थन पर अड़ा रहा, इसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। अब लोकसभा स्पीकर का फैसला चुनाव के जरिए होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिड़ला उम्मीदवार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार है। कल 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर के लिए भी सरकार और विपक्ष के बीच तकरार दिख चुकी है। दरअसल विपक्ष डेप्यूटी स्पीकर के पद की डिमांड कर रहा था और इसी के बाद तकरार शुरू भी हुई। कांग्रेस का कहना है कि डेप्यूटी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है, हालांकि बहुमत साफ तौर पर एनडीए के साथ है। अब इस पूरी तकरार के बीच सवाल यह है कि सरकार और विपक्ष के बीच सदन की पहली टक्कर किसका होगा स्पीकर। और चलिए अब आपको बताते हैं स्पीकर पद के लिए एनडीए प्रत्याशी जो हैं ओम बिड़ला वो हैं कौन और विपक्ष के प्रत्याशी के सुरेश कौन हैं, ये बताते हैं दोनों ही प्रत्याशियों के बारे में। साल 2019 में ओम बिड़ला स्पीकर बने थे, अपना प्रथम कार्यकाल बतौर स्पीकर पूरा किया उन्होंने। कोटा से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर आए हैं ओम बिड़ला, तीसरी बार के सांसद हैं। 2014, 2019, 2024 में कोटा से सांसद बने हैं ओम बिड़ला। 2003 से 2014 तक कोटा दक्षिण से विधायक भी रहे हैं ओम बिड़ला। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं, ऐसा करने वाले बीजेपी के पहले सांसद होंगे जो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनेंगे। और अब जानते हैं के सुरेश के बारे में। कोडी कुन्निल सुरेश, के सुरेश का पूरा नाम है, केरल से आते हैं। केरल की मवेलीकारा सीट से एमपी चुने गए हैं। साल 1989 से लगातार सांसद चुने जाते रहे हैं के सुरेश। अब तक 8 बार सांसद बन चुके हैं के सुरेश। 2012 से 2014 तक केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं के सुरेश। तो ये उतरे हुए हैं मैदान में ओम बिड़ला के सामने विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। लोकसभा का समीकरण क्या है वो समझ लेते हैं। एनडीए के पास नंबर्स हैं 293, विपक्ष के पास हैं 234, अन्य के पास 16 नंबर हैं। बहुमत 272 को जाता है, यानी कि एनडीए यहां पर सेफ है, ओम बिड़ला को कोई खतरा नहीं है। लेकिन विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है ओम बिड़ला के सामने। उधर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का जो आरोप था उस पर पलटवार किया, कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का सम्मान करते हैं, उनसे उनकी 3 बार बातचीत भी हुई है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि खड़गे जी का सम्मान नहीं किया जा रहा है। सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर
ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। यहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। यहाँ तक खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष उपाध्यक्ष पद पर भरोसा चाहता था, लेकिन फिलहाल सत्ता पक्ष ने कहा है कि वो बाद में देखेंगे, पहले आप अध्यक्ष पद पर समर्थन करें। इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं हुआ, विपक्ष शर्तों के आधार पर दबाव बनाना चाहता था। लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया और सर्वसम्मति से, और हम लोगों ने उनसे भी ये कहा था कि जो आज तक की परंपरा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, हम लोग आपसे भी समर्थन मांग रहे हैं। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार था, तैयार थे, जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। उधर विपक्ष की शर्तों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है वो भी सुनिए। स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं। विपक्ष के नेताओं तो सरकार की ओर से साफ कहा जा रहा है कि स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, वो हाउस का होता है, सत्ता पक्ष विपक्ष का नहीं। विपक्ष कह रहा है कि परंपरा के तहत उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के नेता को मिलता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है सरकार, इसीलिए विपक्ष ने अपने उम्मीदवार को उतारा है के सुरेश। हालांकि जो नंबर्स की अगर बात करें तो जो नंबर्स हैं वो एनडीए के पास है, ऐसे में ओम बिड़ला का स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर वो दूसरी बार स्पीकर बनते हैं तो बीजेपी के ऐसे पहले सांसद होंगे, और इससे पहले बलराम जाखड़ लगातार स्पीकर रह चुके हैं, और अब ये तकरार कल खत्म होगी क्योंकि कल चुनाव होना है स्पीकर पद के लिए। देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, बिरला वर्सेस के सुरेश, यहाँ स्पीकर की रेस में ये दो नाम हैं। लोकसभा के स्पीकर अब तक कौन कौन रहे हैं, साइड वाली विंडो में आप वो तमाम नाम, उनके कार्यकाल का जो ड्यूरेशन है वो भी देख पा रहे होंगे। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ ये कहा जा रहा है राजनीतिक जानकारों की ओर से कि विपक्ष की ओर से ये अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा है। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार उतारते ही टीएमसी की ओर से भी बयान आया कि हमसे समर्थन नहीं, हमसे बात नहीं की गई विपक्ष का उम्मीदवार उतारने को लेकर। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव दिल्ली से। अशरफ, नंबर गेम में तो एनडीए बिल्कुल सेफ है, उसके बावजूद भी विपक्ष का उम्मीदवार उतारे जाना? देखिए, ये एक सिर्फ अपनी तरफ से ये करना कि हम यहाँ मौजूदगी है, अपनी मौजूदगी का एहसास कराना है, क्योंकि ये लोग जानते हैं विपक्ष इंडिया गठबंधन की इनके पास नंबर गेम नहीं है, जो जादुई आंकड़ा जिसे कहते हैं वो इनके पास नहीं है, वो सत्ता पक्ष के हाथ में है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उससे सीधा सीधा संदेश सरकार को ये देना चाहते हैं कि आप कोई भी कदम उठाइए, वो हम आसानी से पूरा नहीं होने देंगे, हम हर कदम पर आपको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये एक तरह से एक सरकार को बैकफुट पे लाने का एक प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि ये सब जानते हैं कि जो नंबर गेम है वो सरकार के पक्ष में है, तो ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है, लेकिन फिर भी उन्होंने के सुरेश को अपना विपक्ष में उम्मीदवार। आपने जिक्र भी किया कि नंबर गेम में तो एनडीए काफी आगे ही है, तो ऐसे में उनका स्पीकर बनना तय है, और अब डेप्यूटी स्पीकर का क्या? देखिए, डेप्यूटी स्पीकर अब ये यहाँ पे यही बात आ गई कि जब सत्ता पक्ष में होता था, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकसभा अध्यक्ष चुनते थे, एक आम सहमति बनती थी, और यहाँ पर आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही, इसके लिए चुनाव हो रहा, तो जाहिर सी बात है अब सरकार इस विपक्ष के जो उपाध्यक्ष का लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है उसके लिए भी चुनाव कराने पर कोशिश करेगी कि इस पर भी चुनाव हो। इससे पहले तक जो परंपरा ये होती थी कि आम सहमति से लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता था और उपाध्यक्ष विपक्ष का हो जाता था, लेकिन अब यहां पर चुनाव हो रहा है तो सरकार यही चाहेगी कि जो परंपराएं टूट रही हैं तो पूरी तरह से टूटे, उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव कराया जाए। और जाहिर सी बात है अगर वो सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जीत लेंगे तो उपाध्यक्ष का जीतना भी उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं की, क्योंकि बिल्कुल साफ है कि जो नंबर्स हैं वो सरकार के पास ज्यादा हैं, विपक्ष नंबर गेम्स में काफी पीछे है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं मोहन कैबिनेट की बात करते हैं जहां मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब सीएम समेत सभी मंत्री अपना अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे, यानी कि सरकार पर मंत्री और सीएम के इनकम टैक्स को लेकर वित्तीय बोझ नहीं आएगा। 52 साल बाद ऐसा हुआ है, 52 साल बाद मोहन सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बने नियम को बदल दिया है। 1972 में मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने को लेकर नियम बनाया गया था। साल 2023-24 के वित्तीय साल की बात करें तो 79.07 लाख बतौर इनकम टैक्स दिया गया, लिहाजा अब शासन पर मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरंगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था। वहीं आपातकाल की बरसी पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इसे काला दिवस के रूप में मनाया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा है, कहा कि इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं को प्रताड़ित किया गया। सीएम ने इमरजेंसी के लिए कांग्रेस से माफी की मांग भी की। मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए, आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए, कई परिवार तबाह हो गए, कई प्रकार से कष्टों के कारण से वो दौर बहुत ख़राब माना गया है, और भारतीय जनता पार्टी तो उस मामले में एक तरह से इतनी ज़्यादा संविधान को प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए जिस पार्टी ने अपना जनसंघ का अस्तित्व समाप्त करके। भोपाल में प्रदेश कार्यालय पर मीसाबंदियों के सम्मान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान में 100 बार संशोधन किया और अब संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन्होंने 70 बार लोकसभा को भंग किया हो वो लोग संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। मीसा लगा के वो लोग कल संविधान की किताबें लिए संसद के बाहर नारे लगाते हैं। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थी। बात मुरैना के जहां मिलावटखोरों को प्रशासन का डर नहीं है। खाद्य विभाग ने एक फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग को मिलावटी गुड़ बनाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई कर विभाग ने बड़ी मात्रा में खराब गुणवत्ता वाला गुड़ बरामद किया है। चंबल के इलाकों में इन दिनों मिलावटखोर निडर दिख रहे हैं। मिलावटखोर हर चीज में मिलावट करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मुरैना से सामने आया है, जहां खाद्य विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान केमिकल मिलाकर गुड़ तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में पुराना और खराब गुणवत्ता वाला गुड़ बरामद किया है। एक कमरे में गुड़ में केमिकल मिलाने का काम किया जा रहा था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह गुड़ में केमिकल मिलाने का काम किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री संचालक का बेटा प्रशासन को धमकी देते हुए नजर आया। तो
बताया जा रहा है कि पुराने और गंदे गुड़ को गर्म कर केमिकल के जरिए साफ किया जाता था और फिर उसे बाजार में बेचा जाता था। आज सूचना मिली थी कि राठौर कॉलोनी में एक गुड़ की फैक्ट्री पर गंदी परिस्थितियों में केमिकल के द्वारा गुड़ बनाया जा रहा है। यह सूचना प्राप्त होने पर हम लोग हमारी टीम राठौर कॉलोनी में पहुंचकर गुड़ की फैक्ट्री का निरीक्षण किया और वहां से गुड़ के दो सैंपल नमूनों की जांच के लिए लिए। प्रथम दृष्टिया गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था और जो भी उसमें केमिकल वगैरह होगा वो जांच के बाद जांच रिपोर्ट में प्राप्त होने जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से गुड़ के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हम सूचना है कि सड़े गले जो पुराने गुड़ हैं उसके शुद्धिकरण की कार्रवाई हो रही है या उसको मिला के नई गुड़ बनाए जा रहे हैं। बहरहाल जो भी है मैंने फूड सेफ्टी अफसर को बोला है कि तत्काल छापामार कार्रवाई करें और सैंपलिंग करें। यदि ऐसा है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत। मिलावट खोरों पर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी नकेल नहीं कस पा रही। आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सेहत के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। मुरैना से अमित शर्मा, न्यूज 18। कई जगह मानसून दस्तक दे चुका है और कई जगह मानसून कुछ दिनों में दस्तक देने वाला है, लेकिन गर्मी के चलते आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली से एमपी और मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह आग का तांडव देखने को मिला है। आगजनी की घटनाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। मानसून की दस्तक के बीच गर्मी का दौर फिलहाल जारी है। गर्मी से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच आगजनी की घटनाओं ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। ग्वालियर में एक बाइक में आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाइक कैसे धू धू कर जल रही है। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद युवक ने बाइक को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और अपनी जान बचाई। ग्वालियर में स्थित जीवाजी यूनिवर्सिटी में आग लग गई। आग ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद कैंपस को खाली कराया गया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मैयर में मोबाइल और कपड़े की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से 25 से 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कोरबा में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। घर वालों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। 5 की 8 में इतना ही। खबरें लगातार